हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। हेलो, हम अस्सलाम वालेकुम। मैं बुशरा हूँ। आपने मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। हमें चल गया है पता। आप बहुत अच्छे लोग हैं। हमारा दिल चाहता है हमको जब फी डाल कर प्यार करें। बिल्कुल, आप सबके साथ मतलब प्यार मोहब्बत के साथ जितना भी हो सके आपके साथ पेश आए, और जितना आपने हमें प्यार और इज्जत मोहब्बत दी है हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है कि एक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के हैं वो इंडिया गए हुए हैं, तो आज उन्हीं की वीडियो फिर से लेकर आए हैं, जिसमें वो एक न्यू जर्नी अभी इन्होंने स्टार्ट किया, जर्नी फ्रॉम रामपुर टू मुरादाबाद, न्यू फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉस्पिटैलिटी ऑफ इंडियंस। तो बड़ा मज़ा आएगा वीडियो को देखने में, क्योंकि इंडियन लोग बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्यारे अच्छे प्यार होते हैं। बात मानने वाले। सच्ची में प्यार करने वाले लोग हैं ये, नहीं हसद नहीं दिल में होता, जो मोहब्बत प्यार खलूस की ज़रूरत होती है वो उन लोगों में पाया जाता है। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, देखते हैं आज वीडियो। चलिए। इंडियन क्रिकेट को बल्कि क्रिकेट को ये फॉलो कर रहे हैं। ये भी ट्रेन के अंदर बड़ा रैंडमली मुझे आप मिले, दोस्त मिल गए हैं आपके? तो क्रिकेट को फॉलो करते हैं दोस्त और नहीं है, क्या वैसे तो ही मिले फॉलो करते हैं चलो, लोग। दोस्त बन गए हैं ना। इंग्लैंड से आए हुए हैं ये और हर मैच के ऊपर जा रहे हैं। इंडिया का जहाँ पर भी कितना मैच है है, सो क्या रेट इंडिया कर का रहे ही? हैं वर्ल्ड कप में? अभी इस वक्त कौन कौन सी टीमों को एक्सपेक्ट करेंगे सेमीफाइनल? इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका एंड इंडिया डेफिनेटली, एंड अदर टीम्स maybe we try New Zealand might come there, yeah, and Australia also a bit strong, possible. Lekin India ne to outclass kar diya, India ne to yaar kamal kar diya matches mein, they fucked it today to Sri Lanka properly. Aur pura world cup bahut acha, India ne koi match nahi hara, they're doing very well now at the moment, yeah. They are really playing good cricket, yeah, very nice, they're doing very well. Thank you. Dekhiye ke safar ke dauran cricket bhi hai aur जो कल आज इंडिया का मैच हो रहा था और कल जो मैच हो रहा था न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का भी, तो लोग मोबाइल ऐप के ऊपर पाकिस्तान को भी हराया, ऐप के ऊपर भी लोग देख रहे थे, और आज भी जो इंडिया का मैच था वो भी मैंने देखा कि ऐप के ऊपर हर बंदा तकरीबन फॉलो कर रहा है। They are the best. They are doing, you know, they are the upcoming team now. Yeah, upcoming team. Watch in next World Cup. लेकिन देखे सिखाया पाकिस्तान ने उसको, अफगानिस्तान को। I think but they are doing in India now. They are doing in India. अब पाकिस्तान को पिछाड़ दे हम हैं। तो इनकी World Cup की जो favourite team है वो India है, South Africa है, अफगानिस्तान में भी। How about the cup? अफगानिस्तान की team बड़ा अच्छा खेल रही है। अफगानिस्तान की team है। पाकिस्तान टीम को क्या रेट किया? नहीं, नॉट परफॉर्म वेल, यू नो दे ऑल इन ऑल दिस गेम, यू नो अप एंड डाउन। सही बात है, ये गेम है, ऐसा तो होता ही रहता है। क्या यू डोंट यू से यू नो या ऑलवेज हैपन अप एंड डाउन, यू नो समटाइम्स समबडी कम टॉप समबडी गो बॉटम, ऐसा ही होता है। लास्ट टाइम वी आई थिंक इंग्लैंड कम या और नाउ इंग्लैंड इज फिनिश्ड, इंग्लैंड बाहर हो गया लास्ट वीक वर्ल्ड कप, तो जितों दी पाकिस्तान बाहर ही बाहर है। लास्ट वीक पाकिस्तान दे हले चांस है ना। देखें बहुत अच्छा जर्नी के दौरान क्रिकेट की बातें भी, जिस काम के लिए हम आए थे थ्रू आउट हमारी जर्नी भी क्रिकेट के लिए ही थी, और क्रिकेट फैन भी हमारे साथ साथ हैं, हमारी ट्रेवलिंग भी साथ साथ हैं, और इस वीडियो के अंदर बिल्कुल उसको भी कंटिन्यू करेंगे जो हमारी जर्नी है। ये हमारी जर्नी गोज ऑन, ये देखें जी इंडिया इंग्लैंड, ये शर्ट देखें क्या बात ज़बरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। ये नाइट जर्नी शुरू हो चुकी है, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि अब ये नाइट है, नाइट शॉट जी रामपुर है, जर्नी चल रही है हमारी सिख है ना, और बताएं थोड़ा सा रामपुर के बारे में, क्या रामपुर के बारे में क्या बताएं सर? एक नवाबों के शहर में माना जाता है, जैसे लखनऊ हो गया वैसे ही रामपुर भी होता है। अपनी गाड़ी हो गई, हमारी गाड़ी अभी चल जाएगी, गड्डी हटी तो तुरंत तो चली गए थे। रामपुर भी एक लखनऊ तरह का शहर है, बहुत नवाबों का शहर है, नवाबी बहुत नवाबी शहर है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं रामपुर को भी। क्या स्पेशलिटीज क्या है? स्पेशल फूड है, अच्छा चाय होगी, फूड है, जहाँ आप ट्राई करो स्पेशल, हर तरह का स्पेशल फूड मिलेगा आपको, स्पेशल फूड है भैया।
और हिस्टोरिक प्लेसेस भी काफ़ी हैं, पर दूर दूर घूमने के लिए हैं। आपको टैक्सी सर्विस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, जब मर्जी आए आप। सही, क्या बात है। मुरादाबाद, मुरादाबाद कितने फासले पर आएगा वो? आधा घंटे में जाएगा। ये रामपुर है, अभी आगे मुरादाबाद आएगा। ये तो मुझे लाहौर की तरह लग रहा है, हैं? और ये हमारी जर्नी जारी है। बड़ा जबरदस्त, लोगों का प्यार जो है ना वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हमें। बड़ा साफ सुथरा, एक कंट्री में जब आपको प्यार मिलता है। बड़ा स्टेशन है, प्यार मिले तो अपने लोग लगते हैं ना। हाँ, फिर तो अपने ही लगते हैं। रामपुर हमने क्रॉस किया है, रामपुर और जर्नी जारी है। इथे भी श्री रामपुरा है ना। बड़े है ना? अच्छे कंपेनियन थे, बड़ी अच्छी उनसे गपशप हुई। वो हर स्टेशन और हर इलाके के बारे में बड़ा अच्छा ब्रीफ कर रहे हैं। आप व्यूज़ भी देख रहे हैं, मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ भी साथ साथ दिखा रहा हूँ। वंडरफुल जर्नी, 24 घंटे हो गए मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि इतना टाइम गुजर गया। घंटे बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। आप मेरी बैग तो देखें, रात है लेकिन सही क्लैरिटी आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन लाइटनिंग और 24 घंटे डिनर भी है, वो भी किसी वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा। और फिर आगे मुरादाबाद है, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा कि वो शहर की क्या क्वालिटी है और उधर क्या है। ये देखें जी, इत्तेफाक ऐसा है, वो और अपने ही डब्बे में मैं भारत आया और मैंने जब वीडियोस अपने ट्रैवल डायरी बनानी शुरू की तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, बहुत से लोगों ने मुझे रिकग्नाइज किया वेन्यूज के ऊपर, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। लोग होटल मेरे पास आए, मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए। वाओ, क्या बात है, कितना प्यार लगता है यार। ये भाई भी मुझे मिले और इन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है, देखा है YouTube, देखा था, इसलिए मैंने वो पहचान लिया। तो इन्होंने मुझे YouTube के ऊपर देखा था और इन्होंने मुझे पहचान लिया, इनके साथ बड़ी अच्छी गपशप हुई। इन्होंने मुझे अभी ये रामपुर का बताया, मैं कोशिश करूँगा कि आगे मुरादाबाद जो स्टेशन है, मैं मुरादाबाद के हवाले से इनसे थोड़ी सी बात करूँ, स्टेशन पर खड़ा होकर के वो क्या है, क्या मुरादाबाद में, क्योंकि नाम हमने तो नाम ही सुने हैं, मुख्तलिफ मूवीज़ के अंदर हम सुनते हैं। तो ज़रा थोड़ी सी इनसे मैं एक दो मिनट से पूछूंगा इनसे स्टेशन पे के मुरादाबाद क्या है, क्या स्पेशलिटी है और कितना पुराना ये शहर है और क्या क्या इसकी खसूसियत है। तो थैंक यू वेरी मच जी, ये मुझे मिले इधर और उन्होंने पहचान ली और हमारी गपशप हुई है, बड़ी अच्छा, बड़ा मज़ा आया है। थैंक यू वेरी मच जी। खाना आ गया जी, खाने रोटी भी टुकर पड़ा, कंपनी कर रहे हैं और इन्होंने ज़बरदस्ती इन्होंने कहा जी ये खाना थोड़ा सा डिफरेंट मेन्यू है कि खाना खाएं। और इन्होंने, मैंने तो सोचा था कि आगे किसी स्टेशन के ऊपर कुछ लेंगे, खाना खाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे साथ खाएं, खाना है? खाना है और इधर ही, क्या बात। तो हमने फिर ये खाना ऑर्डर किया और ये खाना, वो कोई ऐप है उससे भी बड़ी कोशिश की है, एक और दोस्त हैं हमारे सरदार जी, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ऐप के थ्रू वो अगले स्टेशन पर डिलीवर हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, शायद टाइम की शॉर्टेज या कोई और ऐसा मसला था जिसकी वजह से नहीं हो सका। तो अभी हम इसी के ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो ऊपर वाला दे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और खाना चाहिए, यही आपके नसीब में होता है, और शुक्र करना चाहिए, थैंक्स कि जिसने हमें इतना अच्छा खाना नसीब किया। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं मिलता, नसीब नहीं हो रहा, नहीं होता, लेकिन हम शुक्र अदा करते हैं और थैंकफुल कि अल्लाह पाक ने हमें ये रिस्क दिया। और हर रिलीजन के लोग शुक्र अदा करते हैं कि ये नसीब होती है जब रोटी, इस किस्म की नेमत हमें, तो रियली थैंकफुल कि एक अच्छी जर्नी और एक अच्छा फ्रेश गरम गरम खाना, और ये हमारा रात का डिनर है। आगे मुरादाबाद आएगा, हम उतरेंगे, कोक शोक कोई और चीज़ लेंगे, कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये मुरादाबाद स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, जंक्शन है, और हमने डिनर भी कर लिया है और अब हम
हमारी जर्नी दोबारा से मुफ्त वाईफाई बस जा रही है, चल रही है जर्नी। ये फ्री वाईफाई, फ्री वाईफाई भी मिल रहा है, वाईफाई फ्री चलाओ, क्या बात है। स्टेशन के ऊपर आप अपना नंबर फीड करें और 30 मिनट्स फ्री वाईफाई और बड़ा तेज इंटरनेट आपको स्टेशन दे देते ਇਥੇ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਥੇ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਜੀ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੀ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਤੀ ਹੈ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਕੋ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁxtਲਿਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੁxtਲਿਫ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਸ਼ੌਪ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਕੀ ਭਾਈ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਮੇ, ਆਪਕੋ ਸ਼ੌਪਸ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਕੀ। ਔਰ ਹਮਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹਮੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੂਡ ਖਾਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਹਮਨੇ ਖਾਇਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਬ ਹਮਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, हमने डिनर भी कर लिया है, बहुत अच्छी हमारी जर्नी भी रही है। अब इंडिया के लोग बड़े अच्छे हैं, खाना भी फ्री में दिया है, आपसे मिलते हैं, आपके दूर दूर से मिलने आते हैं, बड़ी अच्छी कंपनी मिली है, गपशप भी बहुत अच्छी हो गई, कोशिश भी इन्होंने बहुत की कि किसी तरीके से कोई पिज्जा वगैरह ऑर्डर कर दें, लेकिन वो नहीं मिल सका हमें। और अब ट्रेन चलने वाली है, आप देखेंगे ये इस तरफ से भी आप व्यू देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है। कितने कितने ट्रैक्स हैं जी यहाँ पे? सिक्स ट्रैक्स हैं जी, और पूरे इंडिया से ट्रेनें यहाँ पर, पूरे इंडिया से ट्रेन आती जाती है, जहाँ से अगर हमें बॉम्बे कहीं भी जाना हो तो यहाँ से हमें ट्रेन मिल जाती है, ये कवर कर लेती है। नाउ वी आर लिविंग जी, नाउ वी आर लिविंग जी। और इस वीडियो को भी मैं एंड करूँगा स्टेशन क्रॉस करने के बाद। ये देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त स्टेशन है, जंक्शन है, लोग वेटिंग के अंदर हैं, अपनी ट्रेन्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और जी हाथ अंदर रखना है, क्योंकि मुझे पहले भी किसी ने कहा था कि हाथ बाहर हो जाए तो किस शहर में बच सकते हैं, तो क्योंकि मेरे पास यही मोबाइल है और इस मोबाइल से ही मैंने ट्रैवल भी करना है और पाकिस्तान जाके अपना काम भी मैंने इसी मोबाइल से करना है। तो ये देखें जी, क्लॉक्स लगी हुई हैं, बड़ा खूबसूरत स्टेशन है। आप ये इस तरफ देखें, ये सारा व्यू मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये स्टोर्स बने हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त स्टोर हैं, अमूल और ये ट्रेन रवा दवा है, अपनी मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं। बड़ी अच्छी जर्नी ऑल ओवर रही है जब से मैं कोलकाता से रवाना हुआ हूँ, कोई किसी किस्म की कोई थकावट नहीं है, टाइर्डनेस नहीं है, क्योंकि बड़ा कंफर्टेबल, जब आपकी सीट हो, आपकी ट्रेन कंफर्टेबल हो, तो आपको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इन्जॉय करते हैं आप। और मैंने रियली वेरी इन्जॉय किया है दोस्त, मैं जब कलकत्ता से रवाना हो रहा था तो दोस्तों के उस वीडियो के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। मैं रिव्यू करूँगा अपनी तमाम जो वीडियोज़ मैंने अपने इस पूरे 25 डेज़ के टूर में बनाई हैं, उनकी हर वीडियो के नीचे जो जो कमेंट्स हैं, जिसने जो ओपिनियन अपनी लिखी है, मैं उस ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। बड़ा पॉजिटिव, मैंने कभी ये नहीं कहा कि लाइक करें या सब्सक्राइब करें, लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ही लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, ऐसे ही सही बात करते रहे, रियली थैंकफुल। और अब मैं मॉर्निंग में जब पहुँचूँगा तो मैं वहाँ से एक वीडियो करूँगा, और फिर मैं ये वीडियोज़ आपके साथ जो मेरा रिश्ता बन गया है, ये एक रिश्ता बन गया है, ये वीडियोस का सिलसिला मैं जारी रखूँगा। ये तो ये देखें जी, बिल्कुल अब क्लोजिंग की तरफ है, और अब्बास शबीर को
इजाजत दें। मुरादाबाद है ना जी, मुरादाबाद जंक्शन से इजाजत दीजिए अल्लाह ने जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो हमें भाई कैसा लगा, लोगों के प्यार आप सबसे पहले बताएंगे कैसा लोग लगा। तो ऐसे जैसे अपने अपनों से प्यार करते हैं, मैं ऐसे ही है सच्ची में। आपके अपने आपसे इतना ज्यादा प्यार नहीं करते जितने वो आपसे कर रहे हैं प्यार। सच्ची में इतनी प्यार मोहब्बत दे के तो आपका तो मन ही नहीं करता कि आप इंडिया से वापस आ जाओ। मन जीत लिया हमारा, सच्ची में दिल जीत लिया। जो एक दिल होता है ना वो अंदर से जीत लिया आप सब ने, क्योंकि आपका इतना ज्यादा प्यार, हॉस्पिटैलिटी आप सब ने, जैसे कहीं जा नहीं सकते आपके पास। सच्ची में आपके मन ना ऐसा होता कि आपके पास ही रह जाएं, क्योंकि वो देखे ना उनको भी कितना अच्छा लग रहा है। वो बोल रहे हैं इतने ज्यादा लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि आप यहाँ यहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, ये करें। फिर आपको ट्रेन में कोई मिल जाता वो आपको फ्री में ला के खाना दे देता है कि यार ये खा, हमसे खाओ, हमने ही आपको खिलाना है, आप हमारी तरफ आए, आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान हैं, हमारे साथ रहें। जब उनको खास तौर पे पता चलता है ना कि ये बंदा पाकिस्तान से है, फिर और ज्यादा उनकी इज्जत अफजाई। वो कहते हैं कि हमारे हमसाए हैं वो तो हमारे अपने ही हैं। सही बात है, इतना तो समझा चाहिए। सच्ची में हमारे आसपास लोगों में इतना प्यार ही नहीं है, खलूस मोहब्बत ही नहीं है जितनी आप सब ने दी है। सच्ची में दिल से खुशी होती है जब आप सब इतना ज्यादा प्यार देते हैं, और ऊपर से आपके ट्रेनें इतनी ज्यादा साफ सुथरी हैं, और आपके जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे वाईफाई हमें फ्री मिल रहा है। मैं आपको बताऊँ, हमारा यहाँ पे लाहौर रेलवे स्टेशन बोल रही हूँ, वो जो है ना एयरपोर्ट, वो सबसे ज्यादा बड़ा मतलब माना जाता है, और एक कराची का, वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई कब नहीं मिलेगा। तो ये इंडिया का तो कहीं भी नहीं है, फ्री में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो आपने स्टेशन में देखा वहाँ पे फ्री वाईफाई मिल रहा है। आप इंडिया के हर एयरपोर्ट पे जाएंगे ना वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हो ना फ्री वाईफाई मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता। पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत एक चीज़ है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल लोग जब दूसरे कंट्री से बाहर से यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने रابطہ करना होता है अपने अपनों से, तो वो फिर वाईफाई अगर आपके एयरपोर्ट पे मौजूद हो तो लोग खोल के जल्दी जल्दी अपने अपनों से रابطہ कर लेते हैं। लेकिन जब इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती तो इस वजह से तो हमारा कंट्री इतना पीछे रह गया, और इंडिया जो वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है इन्हीं चीज़ों की वजह से। यही चीज़ें खास तौर पे एक मेन रोल अदा करती हैं। और ट्रेन का सफ़र भी भाई वो 24 घंटे का कर चुके हैं तय, लेकिन वो बोल रहे हैं बिल्कुल फील नहीं हो रहा, इतना प्यार लोगों ने दिया, इतने आरामदायक सीटें हैं, हर चीज़ वहाँ पता ही नहीं चला। हालांकि 24 घंटे बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, बंदा थक जाता है बिल्कुल, लेकिन सही बात है। लेकिन वो बोला मैं तो बिल्कुल नहीं थका, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि वो अभी भी उनका फ्रेश फेस लग रहा था। तो यार सच्ची में बहुत मन है इंडिया आने का, वीज़ा भेज दो दो बंदों का, हम भी आके वहाँ पे ट्रैवल करें, हमें भी मज़ा आ जाए। वीडियो कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता है कौन वीडियो में, थैंक यू।